गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता नाइन यूट्यूब चैनल पर चंद्रा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि मंडी परिषद का डेट आ गया है और मैं आपके लिए प्रैक्टिस सेट केवल 10 प्रश्नों का एक ऐसा समूह जो पैटर्न बताता है कि किस प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। चूँकि आपको जो है 10-10 क्वेश्चन का मैं सेट देता जाऊँगा, ठीक है, टिल एग्जाम डेट। एग्जाम से पहले तक का जो है मैं आपको एवरीडे जो है प्रैक्टिस सेट जो है आपके लिए 10 प्रश्नों का समूह लाता रहूंगा और आपको जो है बिल्कुल हूबहू तो नहीं कह सकता लेकिन इससे मिलता जुलता इसी पैटर्न पर आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे। ओके, जैसे क्या पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि विषम पद का चयन। अब देखिए, विषम पद होता क्या है? विषम का मतलब ये नहीं होता है कि चार प्रश्न दिया हुआ है, चार ऑप्शन दिया हुआ है तो आप डायरेक्टली जो है विषम को चूज कीजिए, नहीं, ये गलत है। आपको क्या करना होता है कि चार ऑप्शन में से तीन में बिल्कुल सही मिलान करना होता है। क्या? तीन में एक जैसे कंडीशन बनना चाहिए और जो चौथा आएगा वो अपने आप अलग हो जाएगा। तो आपको विषम नहीं छांटना होगा, आपको क्या करना होगा कि तीन में एक जैसा संबंध को ढूंढना होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए आप, इस प्रकार से 100% जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब ये हो सकता है कि हूबहू तो ना है लेकिन इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। आइए देखते हैं, जैसा कि बोल रहा है विषम पद का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है मथुरा, दूसरा दिया है कानपुर, तीसरा दिया इलाहाबाद और चौथा दिया है वाराणसी। स्टूडेंट्स, आपको विषम नहीं छांटना है, आपको तीन ऐसे इस जो ऑप्शन दिया गया है उसमें समान संबंध को स्थापित करना है। तो ध्यान देंगे हम कि कानपुर इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा, इलाहाबाद इज आल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा एंड वाराणसी इज आल्सो सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर गंगा। मींस ये कि कानपुर भी गंगा नदी के किनारे स्थित है, इलाहाबाद भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और वाराणसी भी गंगा नदी के किनारे स्थित है और ये जो मथुरा ऑप्शन है इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर यमुना। मतलब यमुना जो, यमुना के किनारे कौन स्थित है? मथुरा। तो तीन में मैंने क्या किया? समान स्थिति प्रकट किया, कानपुर, इलाहाबाद और वाराणसी। तो चौथा अपने आप क्या हो जाएगा? एक्सक्लूड हो जाएगा। तो हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो क्या हो गया? मथुरा सही हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर टू पर आते हैं। इसमें बोल रहा है कि लुप्त पदों को भरना, यहाँ जो खाली स्थान दिया हुआ है यहाँ भरना है और इस प्रकार से जो प्रश्न बनते हैं वो नंबर सीरीज में बनते हैं, ठीक है, और नंबर सीरीज में ये जो कंडीशन दी हुई होती है इस छः का किसी तरह हम संबंध 6-222 से बताएंगे और जैसा रिलेशनशिप 6-222 से होता है स्टूडेंट्स वैसा ही संबंध हमें 7 का यहाँ पर बताना होता है। तो जैसा कि आप ध्यान दिए होंगे कि 6 का यदि मैं क्यूब करता हूँ तो 200 कितना आता है? 16। लेकिन ये 216 नहीं है, इसमें हम 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 222 आएगा। तो उसी प्रकार 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो आएगा 343 और 343 में जितना अंक लिखा है उतना जोड़ेंगे तो आएगा 350। तो हमारा ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अब आपको अल्फाबेट से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मंडी परिषद में। क्यों? कोडिंग डिकोडिंग, जिसका नाम होता है कोडिंग डिकोडिंग, और यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर को यदि RAECHT में कोड किया जाता है या लिखा जाता है तो बताना है कैनेडान का, कैनेडान को कैसे लिखा जाएगा या कैनेडान को लिखा जाएगा कैसे। तो आपको सिंपल सा जो है एक फॉर्मेट देख लेना है स्टूडेंट्स की कैसे जो है ये आ रहा है, जो कोड किया जाता है उसको हम पहले समझेंगे कि कैसे कोड किया गया है। तो आइए देखते हैं, टीचर, TEACHER, आपको ध्यान से देखोगे तो R को रिवर्स कर दिया गया है और T को यहाँ कर दिया गया है, मतलब R को यहाँ, T को यहाँ, और मिडिल को जो है फिक्स कर दिया गया है, C को वैसे ही प्लेस पे रखा गया है और यहाँ A को पहले और E को बाद में लिख दिया गया है और यहाँ E को पहले और H को बाद में लिख दिया गया है। तो टीचर को RAECHER और T में बताया गया है। तो जस्ट इसी प्रकार हम क्या करेंगे कि जो कैनेडन शब्द लिखा हुआ है CANADAN, यहाँ C के प्लेस पे N आ जाएगा और N के प्लेस पे C आ जाएगा, A को हम वैसे ही उतार देंगे और NAA और D। तो जैसा कि आप देख रहे हो ऑप्शन में NAN, DNAN,
ADAC ये गलत हो गया, NNAADAC मतलब हमने जो कोड किया है NNAAA किसी में नहीं है, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन नंबर चौथा लगा दोगे और ऑप्शन नंबर चौथा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन नहीं, आपको जो है ये जो मिल रहा है इसमें मिल जा रहा है NNAADC, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, टू सही हो जाएगा स्टूडेंट्स। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर फोर में क्या दिया गया है, निम्न शब्दों में सही वेन डायग्राम बताना है। जैसा कि आप जानते हो वेन डायग्राम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर रीजनिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मंडी परिषद। मंडी परिषद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है वेन डायग्राम, और एटलीस्ट वन क्वेश्चन तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। ये डिपेंड करता है कि वो किस प्रकार से पूछे जाएंगे, जिसमें से एक प्रकार में आपके सामने जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार से प्रश्न अभी तक नहीं आया है लेकिन आने की संभावना है। जैसा कि स्टूडेंट्स पूछा गया है कि आपको संबंध स्थापित करना है और किसके बीच संबंध स्थापित करना है, आपको बताना है कि निम्न शब्दों में सही वेन डायग्राम का चयन कीजिए, और यहां पर जो क्वेश्चन देगा उसको जगह नहीं था इसलिए मैं अब लिखने जा रहा हूं, आपको बताना है मेढक। ओके, मेढक, जलचर और थलचर। आप जैसा कि जानते हो मेढक और जलचर मतलब जल पर रहने वाले प्राणी, और थलचर मतलब जो जमीन पर रहते हैं। मतलब आपको मेढक, जलचर और थलचर में यदि हम वेन डायग्राम की बात करें तो ध्यान देना, यदि मैं इसको जलचर मानता हूं और इसको मैं थलचर मानता हूं, सॉरी थलचर। देखो कुछ ऐसे प्राणी होते हैं जो जल में भी रहते हैं और थल पे भी रहते हैं, जिसे उभयचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उभयचर। तो मेढक एक ऐसा प्राणी होगा जो जल में भी रहेगा और थल में भी रहेगा, तो इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, इसका वेन डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, ये जलचर के लिए, ये थलचर के लिए और ये मेढक के लिए है। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करोगे यहाँ पे, वो कौन सा डायग्राम है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो वेन डायग्राम से अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव पर, और क्वेश्चन नंबर फाइव क्या बोल रहा है जरा ध्यान से आप पढ़िए। तो क्वेश्चन नंबर फाइव ये कह रहा है कि बताइए 400 वर्षों में कुल लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी, या इसको एक और टर्म में पूछा जा सकता है कि स्टूडेंट्स बताइए कि 400 वर्षों में कितने ऐसा फरवरी पड़ेगा जो 29 दिनों का होगा। तो आपको मैं बता दूं 100 वर्ष में जो लीप ईयर्स होते हैं वो 24 होते हैं, फिर 100 वर्ष में लीप ईयर 24 होते हैं, फिर 100 वर्ष में लीप ईयर 24 होते हैं, लेकिन जो 400वां 100 वर्ष होता है ये लीप ईयर खुद होता है और इसमें जो लीप ईयर होंगे वो 25 होंगे। तो आपको पता चलेगा सबको जोड़ने पर कितने आएंगे, 97 होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा मेरा कितना, 97। अब आपको बताना है एक घड़ी में 9:30 हो रहा है, एक घड़ी में कितना हो रहा है, 9:30 हो रहा है, तो आपको बताना है कि थीटा कितना बनेगा। तो थीटा बराबर 11m/2 -30h से आप आसानी से लगा लोगे, थीटा निकालना है, 11 मिनट की वैल्यू 30 दी हुई है, यहाँ पे 2 का भाग देंगे 30 × 9, तो आपका क्या बन जाएगा, यहाँ 15 15 और यहाँ 165 आ जाएगा, और 3 × 9 = 200 कितना हो जाएगा, 27। यदि आप घटाओगे तो 100 कितना डिग्री आ जाएगा, 5 डिग्री आंसर हो जाएगा, और हमारा आंसर हो जाएगा, देखो दूरी कभी नेगेटिव में नहीं होता, तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, 105 डिग्री। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, बोलती है क्या बोलता है, एक महिला स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो मंडी परिषद के लिए ब्लड लेसन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड यू हैव टू फोकस ऑन इट फर्स्ट। आफ्टर ऑल आपको क्या करना है कि हूबहू क्वेश्चन तो नहीं आएंगे, बट 100% आई वॉन्ट टू से दैट कि इस प्रकार से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या बोलती है, एक महिला एक पुरुष के तस्वीर के तरफ इशारा करते हुए कहती है। आपको ध्यान देना होता है कि नरेटर यहाँ पे क्या है, माइनस है, और ऑब्जेक्ट क्या है, प्लस है। आपको यह बस देखना होता है कि नरेटर से शुरुआत हुआ है कि ऑब्जेक्ट से स्टेटमेंट शुरुआत हुआ है। तो क्या बोल रहा है, वह मतलब महिला पुरुष के तस्वीर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, कहती है कि वह मेरे पिता
मेरे मतलब नरेटर के पिता, ये नरेटर यदि मान लेता हूँ तो इसका पिता ए प्लस हो जाएगा, और पिता की पत्नी, तो पिता की पत्नी को हम माइनस से दर्शाते हैं कि इकलौते पुत्री के इकलौते तुम है, क्या बोला है, इशारा करते हुए कहते हैं कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे, इकलौते बेटे का मतलब एक जनरेशन नीचे आएंगे, का बेटा है, का बेटा है, मतलब आपके पास ये ट्री बना है, ये नरेटर है और ये ऑब्जेक्ट है, तो पूछ रहा है कि उस महिला का, मतलब उस महिला का उस पुरुष से क्या संबंध है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि इसका ये पुत्र है, इसकी ये बहन है, तो ये बुआ कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बुआ कहलाएगी, तो ऑप्शन में हमारा क्या सही हो जाएगा, बुआ, बुआ क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब आते हैं, कथन दिया गया है सिलोगिज्म, जैसा कि आप जानते हो न्याय निगमन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स फॉर रीजनिंग एंड पॉइंट ऑफ व्यू। आपको क्या करना है कि सिलोगिज्म एक ऐसा टॉपिक होता है कि उससे चाहे किसी भी एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर बनता है, सभी पक्षी मोर हैं, सभी पक्षी क्या हैं, मोर हैं, कुछ मोर बंदर है, तो आपको मैंने 150 वाले रूल बताया होगा, तो यहाँ सभी पक्षी मोर हैं, तो पक्षी को हम 100 दे देंगे और मोर को कितना दे देंगे, 50, और जहाँ कुछ वाले स्टेटमेंट होते हैं उसमें क्या होता है, मोर को 50 और बंदर को 50 देते हैं। अब हम कथन के को छोड़कर निष्कर्ष पर ध्यान देते हैं कि निष्कर्ष में बोला क्या जा रहा है, कुछ बंदर पक्षी हैं बच्चों, तो यहाँ पर 50 दे देंगे, यहाँ पर 50, बंदर से पक्षी जाना है, बंदर से पक्षी जाना है, जाने के लिए हमें मोर कॉमन होना चाहिए, तो मोर कॉमन है, लेकिन मोर के पास एटलीस्ट 100 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। इसको लगाने के दो तरीके होते हैं, अगर आप ज्यादा देर में लगाना चाहते हो तो यू हैव टू ड्रॉ अ वेन डायग्राम, बट यू हैव टू सॉल्व इट वेरी इजिली, देन यू हैव टू अप्लाई दिस एक्सपेंडिचर रूल, ओके, देन यू हैव टू फोकस ऑन माई फर्स्ट रूल, कि यदि आप इस क्वेश्चन को या इस प्रकार से क्वेश्चन को यदि सॉल्व करना चाहते हो तो आपको वेन डायग्राम को मेथड को एलिमिनेट करके आपको एक्सपेंडिचर का मेथड अपनाना पड़ेगा। आपको जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, यू कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ चंद्रा इंस्टीट्यूट्स, ओके, तो आइए बोलते हैं कि ये सेकेंड निष्कर्ष क्या बोलता है, सभी पक्षी बंदर हैं, सभी पक्षी बंदर हैं, पक्षी से बंदर जाना चाहते हैं तो जा नहीं सकते, इसका मतलब ये भी निष्कर्ष क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है केवल पहला केवल दूसरा दोनों सही और दोनों गलत, तो चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जिसका जो जिसका नंबर है 9, 9 नंबर को आप ध्यान से पढ़िए, कथन निष्कर्ष। जैसा कि आप जानते हो कथन निष्कर्ष क्या, सभी एग्जाम में कथन निष्कर्ष न्याय निगमन पूर्व अनुमान से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, आने वाले प्रैक्टिस सेट में मैं कथन निष्कर्ष से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराने वाले हैं। आइए क्या बोल रहा है कथन में, कि 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय को जाती हैं। आपको कथन निष्कर्ष जैसे प्रश्नों में सॉल्व करने के लिए अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना होता है, जो कथन में दिया होता है वो शत प्रतिशत सत्य होता है, आपको उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो हम मान लिए कि जो अधिकांश बसें हैं, अधिकांश का मतलब 90% बसें जाती हैं, 10% बसें नहीं जाती हैं, हम हमेशा उस पार्ट को लेते हैं जिसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो 64 नंबर की अधिकांश बसें मेरे कार्यालय को जाती हैं, और दूसरा बोल रहा है यह, प्रोनाउन यूज कर रहा है, यह मतलब किसको इंडिकेट कर रहा है, अभी आपको पता चलेगा, यह 64 नंबर की बस है, और तुरंत निष्कर्ष में दिया हुआ है कि यह बस, मतलब कौन सी बस, यह बस जो जिसका नंबर 64 है, यह बस मेरे कार्यालय को जाती है, तो हमें पता है कि जो स्टूडेंट 90% जो ऐसी बसें हैं जो 64 नंबर की जो मेरे कार्यालय को जाती हैं, और इस कथन को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष पहला कि यह बस जो 64 नंबर की है हो सकता है मेरे कार्यालय को जाए, लेकिन पॉजिटिव है, ज्यादा पॉजिटिव है, क्यों, क्योंकि 90% बसें जाती हैं, तो पहला निष्कर्ष क्या हो गया, सही हो गया। इसके जो टूल्स होते हैं सॉल्व करने के वो आपको वीडियो के माध्यम से मिलेगा चंद्रा इंस्टीट्यूट के माध्यम से, लेकिन बच्चों यहाँ पे मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ तो आपको प्रैक्टिस सेट ही कराऊंगा, क्योंकि यू हैव नो मच एनफ टाइम, बिकॉज क्योंकि टाइम कम है, 30 को एग्जाम है, सो आपको एक प्रोटोटाइप में देना चाहता हूँ। ये सही हो जाएगा। दूसरा लिखा हुआ है यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है, तो जाहिर सी बात है यह बस मेरे कार्यालय नहीं जाती है, तो दूसरा क्या हो जाएगा,
यह बस मेरे कार्यालय जाती है, जब उसके कार्यालय जाती है तो सेकेंड वाला अपने आप क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ओके। निम्न पासे में तीन का विपरीत पूछ रहा है, जैसा कि दो डाइस दिखाया गया है इसमें हम तुरंत क्लॉक रूल लगा देंगे, इतना सोचने का टाइम नहीं होता कि करेंगे क्या। दो डाइस दिया हुआ है, क्लॉक रूल लगा देंगे, दो कॉमन है और दो से हम घड़ी की दिशा में घूम जाएंगे। तो दो के बाद क्या है, दो के बाद तीन, तीन के बाद एक, दो के बाद पांच और पांच के बाद चार, तो यहां तीन का विपरीत क्या हो जाएगा, पांच हो जाएगा और ऑप्शन हमारा पांच यहां सही हो जाता है। बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप जरूर बताइएगा, और डेली आपके लिए मैं प्रैक्टिस सेट लेकर प्रयास करूंगा आने के लिए। धन्यवाद बच्चों। हेलो गाइस, वेलकम टू चंद्रा शुक्ला अखबार टीचर्स चॉइस चैनल। क्योंकि टीचर भी इस चैनल को देखते हैं तो आप चैनल पे आ गए हैं, तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ऑन करना मत भूलिएगा।